रेडी हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं, सो टैक्सी की हम उनसे मिल पाते हैं। जहीर भाई मोदा से ही हैं और ये इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हमने फ्रेमिंग करा लिया है एक सभा के लिए और एक शुएब और दीपिका जी के लिए। नहीं ठीक है, सब उसी के लिए लेके आए हैं। ये हमारी तरफ से शोएब भाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आशिफा इतना प्यारा तोहफा मेरे लिए। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया डेली रिमाइंडर्स। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, आप सब की दुआ है मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब आज है 7 फरवरी और अभी हम लोग सुबह रेडी हो रहे हैं एंड वी आर स्ट्रगलिंग, लिटरली मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, वी आर स्ट्रगलिंग कि हम आज सबा इब्राहिम जी से ज़रूर मिल सके। वो यहाँ आई हुई है अपने हस्बैंड खालिद साहब के साथ, तो हमारी कोशिश होगी आज कि उनसे मुलाकात कर सके, क्योंकि मेरे घर में मेरी अम्मी ऑब्वियसली नाज़िया और बाकी सब लोग नाज़िया के घर में और भी बहुत मेरे जानने वालों में सबा इब्राहिम को, शुएब को, दीपिका जी को, सबको कई वक्त से फॉलो करते आ रहे हैं, उनकी हर वीडियोस को देखते हैं और बस एक छोटी सी कोशिश है कि अगर आज मुलाकात हो सके तो इट वुड बी अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो और हमारे व्यूवर्स के लिए भी अच्छा होगा कि आप जो हमें फॉलो करते हैं वो उनसे मिल रहे हैं जिसे वो फॉलो करते हैं, सो इट वुड बी अ वॉइस वर्सा प्रोसेस। सबा जी के लिए एक फ्रेम हमने निकाला है जिसे फ्रेमिंग करके हम लोग देंगे। अब पता नहीं मुझसे मुलाकात होती है नहीं होती है, बट मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमने कोशिश ज़रूर की, जिसमें सबा है, उनकी अम्मी और अब्बू हैं, एक तरफ उनकी भाभी है और एक तरफ उनके भाई और उनके हस्बैंड है, वहीं दूसरी तरफ हमने शुएब के लिए और दीपिका जी के लिए भी एक फ्रेम लगाया है रोहान के साथ। तो ये एक छोटा सा मोमेंट है, सो यस, और ये भी हम उन्हें देंगे कि ये उन्हें दे सके ज़रूर। तभी नाज़िया भी रेडी हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं, सो टैक्सी की हम उनसे मिल पाते हैं या नहीं। A few moments later. So guys, हमने फ्रेमिंग करा लिया है एक सभा के लिए और एक शुएब और दीपिका जी के लिए, सो लेट्स सी कि हमारा मीटअप होता है या नहीं होता है। आप भी दे दीजिए, पहना दे रहे हैं आप, पहले ले लीजिए। इनके व्लॉग में हम भी रहते हैं। नहीं ठीक ठीक, सब उसी के लिए लेके आए हैं। सो ये हमारे जहीर भाई हैं, हम लोग आए हुए थे सबा जी से मिलने और खालिद भाई से मिलने, बट वो अनफॉर्चुनेटली होटल के लिए निकल चुके हैं। और ये हमारे जिशान भाई, ये तो हमारे बस्ती के हैं, तो जहीर भाई मोदा से ही हैं और ये इन्होंने प्रॉमिस किया है कि जब वो आएंगी तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। जहीर भाई हमारे व्यूअर्स के पास सलाम वगैरह कर लीजिए। ओके ठीक ठीक है, मोदा में सब खाली था। सो ये देखिए फ्रेंड, ये है शादी वाला घर और वहाँ के बाहर टेंट लगा हुआ। अभी हमें पता चला है कि सबा जी यहाँ नहीं है, वो रेस्ट करने के लिए गई है। सभी ने कहा कि सबा जी 5 या 4 बजे तक आएंगे, बहुत देर हम रोड में वेट किए, जनाब तो वहीं रुक गए और मैं और मेरे साथ जो थी वो अपनी किसी जान पहचान के घर में मुझे ले गई। वहाँ पर मैं 1-2 घंटा वेट करी, जनाब वहीं पर रहे वेट करने करते हुए। 2 hours later कुछ देर वहाँ रुकने के बाद मैं फिर से आ गई थी उनके घर के ठीक सामने और यहाँ पर देखिए बहुत सारे सब्सक्राइबर उनसे मिलने के लिए आए थे, कुछ कुछ तो वापस भी चले गए। कई बार मेरे दिमाग में भी ख्याल आया कि क्यों ना चले जाती हैं, लेकिन फिर था इतनी दूर आई है, इतना देर वेट की हूँ तो थोड़ा और लगभग 3 बजे के करीब मैं फाइनली खड़ी आ गई। नाज़िया हाँ, और ये देखिए फाइनली, मैं तो जैसे ही मेरी नज़र इन पे पड़ी तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जिनको हमेशा ही अपने व्लॉग में देखती थी वो आज मेरे सामने है और मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं उनसे क्या बोलूँ, क्या कैसे रिएक्ट करूँ, कुछ भी नहीं। मैं तो बस खड़ी हुई थी और जना मुझे बार बार बोल रहे नाज़िया करीब जाओ करीब जाओ, और मुझे था कि मेरा दिमाग ही कुछ काम करना उस वक्त बंद कर गया, तो मुझे कुछ नहीं समझ में। ऐसा होता ना कि जिसे आप
जिसके बारे में आप देखते हो सुनते हो और वो आपके सामने हो तो कैसा लगता है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता और मैं बेवकूफ़ की जैसा थोड़ी पीछे हो गई। और फिर फाइनली मैं सोच रही थी मेरा नंबर आएगा भी कि नहीं, लेकिन लास्ट में मेरा नंबर आ ही गया। हम लोग 11 बजे से खड़े भाई, 11 बजे से खड़े हैं सनी भाई, हम सुबह से खड़े हैं, हम लोग 11 बजे से खड़े हैं। हर बात लॉक नहीं किया ये हमारी तरफ से शोएब भाई के लिए। एलपी कितने आपका? हाँ एलपी ले लिया, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे में ले लिया, उसमें डाल के दे दीजिए। ब्लॉगिंग करते मोनेटाइज द चैनल। फ्रेंड्स आप नाज़िया डेली रिमाइंडर्स को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा देता हूँ, मैं सेल्फी लेता हूँ, सीधा सेल्फी ले लूँगा, उधर से ले लेता हूँ। नहीं नहीं हम लोग कैसे खींचे, हम लोग खालिद भाई के साथ ही चलेंगे। भाई आप फोटो के लिए भाई इंटरव्यू की कंडीशन मैम, 5 मिनट मैम, 5 मिनट मैम। खालिद भाई जी जी बताइए। नाज़िया इधर आइए ना, आप सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए ना। एबीसी मारना था हमको, मैं शादी में आई थी, लोग शादी में ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। अभी एक दो दिन बचे हैं तो मैं घूमना शुरू करूंगी, आप लोग बताइए कौन सी जगह मुझे जाना चाहिए। इंशाल्लाह मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। जमशेदपुर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का खाना और जैसे लोग कहते हैं यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, तो सच में बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग आने का प्लान बना था, हमने शेयर किया था, तो काफी लोग हमें मतलब वेलकम कर रहे थे, आप आइए। इतना ज्यादा प्यार मिलेगा अनएक्सपेक्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। बस वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोग उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ तक आए हैं। बस लास्ट तक कुछ टाइम बचा है तो प्लीज उन्हें और सपोर्ट करिए, कि आप सबके फोन के बिना वो आगे नहीं। कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी, बाकी मैं इस बार फॉलो नहीं कर पाई तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जीते हैं तो वो अच्छे हैं। क्या फ्यूचर में बिग बॉस से ऑफर आता है तो जाना पसंद करेंगे? कभी नहीं, देखने में बिग बॉस बहुत अच्छा लगता है, बिग बॉस के अंदर जाना बहुत हिम्मत का काम है, तो जो लोग जाते हैं और खेल के आते हैं उनके लिए हैट्स ऑफ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊँ। बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग आप खड़े तो खालिद भाई आप कंटिन्यू कर दीजिए। आप लोग भी आई और नाज़े मैम भी है, क्या भी मिले आप लोग? कुछ नहीं, यहाँ अलहमदुल्लाह सबा इब्राहिम फॉर मेनी ईयर्स एंड वी ट्रूली रिस्पेक्ट वॉट एवर शी इज़ डूइंग, और हमें उनका काम बहुत पसंद है और उन्होंने कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए नाज़िया ने भी अपना चैनल शुरू किया था, एंड नाउ शी हैज़ गॉट लॉट ऑफ सब्सक्राइबर एंड उनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया। सो यस वी आर हैप्पी एंड हमारी बहुत दिली मन्नत थी कि हम अगर उनसे मिले और अलहमदिल्लाह जिस तरह से किसी खूबसूरत इंसान को देखते हैं वीडियो पर उतनी खूबसूरत उससे कई ज़्यादा खूबसूरत वो वाकई में है, और अलहमदिल्लाह अल्लाह ने और नवाजे और वो इसी तरह अपना देश का और कौम का नाम रखा। आपने बातचीत की, क्या कुछ बातचीत, क्या कुछ बातचीत हुई आपके साथ? भाई उनके लिए तोहफा वो दीजिए। 4 hours later हाई फ्रेंड, सो मैं घर आ चुकी हूँ और जैसे कि आप मेरे ब्लॉग में देख चुके हैं, आशिफा जो कि मेरी सब्सक्राइबर है वो भी गई थी मेरे साथ सबा जी से मिलने के लिए, तो वो मेरे लिए भी लेकर आई थी और ये घर आते थे थोड़ा सा इस तरह से हो गया है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आशिफा आपका मेरे लिए इतना प्यारा तोहफा लाने के लिए। और मेरी एक और सब्सक्राइबर है नाज़िया जो मेरे लिए तोहफा लेकर आई थी, जिनका YouTube में चैनल है नाजो का जहाँ 5253। सो फ्रेंड इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी मेरे लिए तोहफा लाई थी, तो मैं ये दिखाती हूँ क्या लाई थी।
इनका बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे उनसे मिलने में काफ़ी मदद की। सो आपको मैं दिखाती हूँ ये मुझे क्या तोहफा दिए। एक मिनट फ्रेंड्स, सो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच नाजिया और आशिफा, इतना प्यारा तोहफा मेरे लिए देने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और फाइनली मुझे जिनसे मिलना था मेरी मुलाकात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स। और तो मैं अपनी वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले। दुआओं में याद रखिए, इस तरह से मुझे अपना प्यार सपोर्ट देती रही। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।